नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर तालिबान लगातार दावे कर रहा है। तालिबान समर्थकों का कहना है कि वो अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं और सरकार गठन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। इस बीच पंजशीर घाटी के स्थानीय लोगों का कहना है कि तालिबान झूठ बोल रहा है। पंजशीर घाटी पर तालिबानियों का कब्जा नहीं है, उनकी घाटी पहले भी आज़ाद थी और आज भी आज़ाद है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से विरोध की भी आवाज़ें उठ रही हैं। मंगलवार को काबुल में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग विरोध के लिए इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए तालिबान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और भीड़ को तितर बितर कर दिया। करनाल में किसानों पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज मामले में करनाल में किसानों ने महापंचायत की। वहीं सचिवालय में किसान नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के मुखिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि प्रशासन और किसानों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा निकली है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसे में महापंचायत में ही जाएंगे। सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन महापंचायत में ही बात होगी। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हर भारतीय नागरिक हिंदू है। पुणे बेस्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरोध दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा डीएनए टेस्ट करवा ले, हम तैयार हैं, लेकिन आप सभी को भी करना होगा। आरएसएस वाले इतिहास में कमज़ोर होते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2021 परीक्षा स्थगित करने की मांग छात्र कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्विटर पर कहा कि केंद्र सरकार को स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं दिख रही है, नीट एग्जाम स्थगित किया जाए, छात्रों को फेयर चांस दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती को फिर से घर में नज़रबंद किया गया है और आरोप खुद महबूबा मुफ्ती ने लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें घर में नज़रबंद किया गया है और कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा झूठा है। इस मामले में उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब नियंत्रित नजर आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश वासियों को बड़ी राहत दी है और नाइट कर्फ्यू में और ढील दे दी गई है। अब यूपी में दुकानों बाजारों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव का आगाज कर रहे ओवैसी ने कहा कि इस बार यूपी का मुसलमान चुनाव जीतेगा। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के हालात बदतर हैं, हमारी पार्टी के यहाँ लड़ने से दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो, देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की दूसरी यूपी की, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमें लगता है कि डबल इंजन की सरकार के दोनों ड्राइवर भाग गए हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 17 अंकों की गिरावट के साथ 58,289 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 16 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,362 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 2005 अंक या 3.57% बढ़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।